नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जंचली। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने में किसान वर्ग अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। उपचुनाव से पहले चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म हो रहा है, जहां कांग्रेस भाजपा सरकार पर किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजे की राशि कम देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस इसे जबरन राजनीतिक मुद्दा बना रही है। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने किसी किसान के आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के समय जो पैसा किसानों के खातों में डाला जाना चाहिए था, वो राशि कमलनाथ आईफा अवार्ड में लगाने वाले थे। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी किसान के आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की, वो किसान की फसल का बीमा की राशि जो कांग्रेस के समय उनके खातों में डाली जाने थी, वो तो आईफा अवार्ड के लिए कमलनाथ जी लगाने वाले थे। वो पैसा जो किसान के हित में खर्च होना था, वो सरकार के मंत्री अपना बंगला बनाने में लगा रहे थे। वो किसान की बीमा की राशि जो किसान के खाते में जाकर उसकी फसल की गारंटी प्रदान करती, उस पैसे को कांग्रेस के नेता अपने निजी उपयोग में लेके आ रहे थे। अब हमने किसान के खाते में राशि डाली है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये केवल राजनीति है और खुद किसी तरह गफलत की स्थिति पैदा कर सके, इसलिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। प्रदेश की जनता जानती है कि गद्दारी किसने की मध्य प्रदेश के साथ। 15 महीने कांग्रेस की सरकार में हर चुनाव के वादे को इन्होंने अंगूठा दिखाया और गद्दारी तो जनता के साथ कांग्रेस ने की। किसान का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, युवाओं को अलग थलग कर दिया, महिलाओं की स्थिति को और नकारा कर दिया, संबल योजना बंद कर दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पैसे नहीं दिए। तो धोखा तो आपने दिया, गद्दारी तो आपने की, अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हो, से परेशानी लगातार बढ़ रही है। और ये केवल यही नहीं, पूरी दुनिया में संक्रमण बढ़ रहा है, देश में हम अन्य राज्यों में भी संक्रमण बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है, पर हम पूरी तरह से हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। जहाँ तक केसेस बढ़ने की बात है तो हमारी लगातार टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो संक्रमण बड़े होने के कारण नंबर्स भी ज़्यादा आएंगे। अनलॉक का ज़माना है, सभी जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से खुल गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको संयम और अनुशासन का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए